हेलो एवरीवन, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट मी राइट दिस, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स। टर्म बहुत भारी है लेकिन ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स। सो मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर गिवन है ए और एक नंबर है बी और आपको मॉड्यूलस एम करके वैल्यू वन मिल रही है। तो आपको गिवन है ए, गिवन है एम, आपको आइडेंटिफाई करना है कि बी की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ए मॉड्यूल ए इंटू बी मॉड एम इज इक्वल टू वन। इसका एग्जांपल अगर हम लें, सो मान लीजिए कि आपके पास 15 इंटू सम बी वैल्यू एंड मॉड 3 इज इक्वल टू वन करना है। तो आपको यहाँ पे ए गिवन है और m गिवन है और आपको b की वैल्यू गेस करनी है। सो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है क्या। सो 15 और 3 जो है, अगर इसके को प्राइम 15 और 3 जो है अगर वो को प्राइम होंगे देन तभी जो है ये पॉसिबल होगा कि इसका आंसर, या मतलब 15 इंटू बी मॉड 3 की वैल्यू 1 आएगी। इस केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 और 3 जो है वो को प्राइम्स नहीं है एक दूसरे के। को प्राइम का ये मीनिंग होता है कि 15 और 3 का जो जीसीडी है दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। इस केस में ये जीसीडी 1 नहीं है इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो मान लीजिए कि आपके पास एक 14 है और 14 इंटू बी मॉड 5 आपको करना है। सो 14 हमारा ए हो गया, बी की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है गिवन दी वैल्यू ऑफ एम जो कि मॉडुलस है। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो 14 और 5 है इसका जो जीसीडी है वो 1 है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस आइडेंटिफाई कि क्या वैल्यू होनी चाहिए बी की जिससे ये पॉसिबल हो। सो अगर हम इटरेटिवली सोचें तो बी की वैल्यू को 1, 2, 3 इस तरह से रख के देखा जाए। सो मेरे ख्याल से 14 इंटू 4 मॉड 5 आप करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए। सो 14 4 जा 56, यस इस केस में जो बी की वैल्यू है वो 4 हो गई। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट से हमने पिक किया 90 और इसके बाद फिर 19 इंटू बी एंड देन मॉड 3 इज इक्वल टू 1 ऐसा कर लेते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं कि अगर b की वैल्यू 1 हो तो भी ये पॉसिबल है 19 इंटू बी मॉड 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 19 इंटू 1 19 आएगा, मॉडुलस 3 मतलब कि ये 6 टाइम जाएगा एंड रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 पॉसिबल है। सो हमें एक एक्स इक्वेशन गिवन है, आप उस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखें कि ए इंटू बी मॉड एम इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, आइए इसको हम फ्रेश लिखते हैं एंड विद डिफरेंट कलर पेन जिससे कि आप इसको समझ पाए। सो वी हैव ए इंटू बी विद दिस 3 लाइंस इज इक्वल्स टू 1 मॉड एम। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, ए इंटू बी एंड मॉड एम दिस इज इक्वल्स टू 1। सो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं सो दिस 0 एंड यहाँ पे आप मॉड एम लिख सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है, या इसका जो ए मल्टीप्लाइड विद बी माइनस 1 मॉड एम की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जबकि ए इंटू बी माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ एम। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू सम एम जो कि आपको गिवन है और इसमें किसी भी कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेट्स से सी। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाइड विद बी माइनस एम इंटू सी और 1 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए सो दिस इज इक्वल्स टू 1। फाइन, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन में मुझे क्या क्या वैल्यूज गिवन है, मुझे ए गिवन है, मुझे एम गिवन है और अगर मुझे बी और सी फाइंड करना हो तो हम कहेंगे कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया
दिस इक्वेशन इज मोर लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड इन द एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम। वहां पे ए एक्स प्लस बी होता था, यहाँ पे अगर इसको प्लस ले लीजिए अगर, तो क्योंकि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू को प्लस कर दें या माइनस कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपने ऐसा कहा कि ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस एम इंटू सी इज इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या करना है कि इससे बी की वैल्यू को फाइंड करना है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके। अब आप रिकॉल कीजिए कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम में हम क्या करते थे। वी यूज टू डू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। फाइन, सो यहाँ पे जो जी सी डी है उसकी वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है, और मुझे क्या करना है कि ए को अगर आप रिलेट कर दें ए से तो एक्स की वैल्यू बी के इक्वल हो गई, और बी की वैल्यू जो कि गिवन होगी आप उसको अगर एम मान लें तो वाई की वैल्यू हमारी सी हो गई। तो हमें आइडेंटिफाई केवल एक्स करना है यहाँ पे, हमें सी भी इससे आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो हमने इसको इससे रिलेट कर दिया, और हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का। हम सिंपली यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वही हमारी बी की वैल्यू होगी, वही इसको हम कोड करके देखते हैं। तो हियर दिस वाज दी एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रिपलेट लिया है, स्ट्रक्चर बना लिया है, एक्स वाई और जी सी डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, और इसके बाद फिर हमने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का एक रिकर्सिव कोड लिखा है जिसमें कि अगर बी की वैल्यू 0 होती है, ये हमने बेस केस माना, तो उस केस में एक्स की वैल्यू 1, जी सी डी की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू 0, और फाइनली हमने आंसर रिटर्न कर दिया जिसमें कि ये तीनों वैल्यूज हैं। अगर ये बेस केस नहीं है तो हमने इसको रिड्यूस किया फर्दर, तो रिड्यूस करने के लिए हमने यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज किया जिसमें कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी। तो हमने इस वैल्यू के साथ कॉल कर लिया, इसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद इसका जो आंसर मुझे मिल रहा है रिड्यूस्ड वर्जन का, उसको हमने फाइनल आंसर को फाइंड करने के लिए तीन लाइनें लिखी जिसमें कि फाइनल आंसर का जो जी सी डी है वो रिड्यूस के जी सी डी के इक्वल होगा, फाइनल आंसर का जो एक्स है वो रिड्यूस के वाई के इक्वल होगा, और फाइनल आंसर का जो वाई है दैट विल बी इक्वल टू रिड्यूस्ड का एक्स माइनस ए बाई बी इंटू रिड्यूस का वाई। फाइनली आपने फाइनल आंसर को रिटर्न कर दिया। सो अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स का यूज करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स में मुझे ए और एम गिवन होगा, जो कि जिसको मैं ए और बी की तरह से मैं ट्रीट कर रहा हूँ, और इसको मैंने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम में पास कर दिया, और एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम मुझे एक ट्रिपलेट देगा आंसर का। उस आंसर में से मुझे केवल एक वैल्यू चाहिए दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया आंसर एक्स। सो आइए हम इसको कॉल करके देखते हैं, और सबसे पहले हमने एक तो आंसर मान लिया है ट्रिपलेट, और इस आंसर में से बल्कि आपको ट्रिपलेट आंसर मिलेगा लेकिन उस आंसर में से केवल आपको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि आपने मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स के फंक्शन से ऑलरेडी इंश्योर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इंटीजर एक्स ले लीजिए जो कि हमारा आंसर होगा, और आपने कहा कि x इज इक्वल्स टू फंक्शन कॉल आप कर रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स विद द वैल्यू ऑफ ए एंड एम। सो अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने क्या क्या एग्जाम्पल्स लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने 14 और 5 का लिया था जिसमें 14 इंटू बी मॉड 5 हम फाइंड करते थे, और इसका आंसर मेरा 4 आता था। भाई इसको रन करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको प्रिंट कर देते हैं। सो सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, थोड़ा सा ब्यूटीफाई अगर आप इसको करना चाहें तो वैल्यू ऑफ बी इज एक्स। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी हमारा माइनस बना रहा है, मेरा 4 नहीं आ रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू -1 भी रख देंगे तो भी आंसर मेरा यही आएगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक छोटा सा
करेक्शन कर देते हैं कि प्रिंटिंग से पहले अगर आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू की जरूरत है तो, सो अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है, तो उस केस में एक्स इज इक्वल्स टू कर रहे हैं एक्स प्लस, एक्स इज इक्वल्स टू एम प्लस एक्स। ऐसा इसलिए हमने किया कि अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर -1 हमारा आंसर आया है और -1 में आप m की वैल्यू जो कि 5 है उसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है मॉड्यूलस की कि अगर हमारे पास नेगेटिव मॉड्यूलस वैल्यू आ रही है तो हम उसमें अगर ऐड कर दें m को तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। फाइन, सो हम इसको रन करके देखते हैं। एम की वैल्यू नहीं है हमारे पास, आप काम कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली 5 ऐड कर दीजिए इसमें। यस, द वैल्यू ऑफ बी इज 4 है। नाउ अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 14 एंड एम इज इक्वल्स टू 5। अब आपने जब पास किया इस फंक्शन में तो पास कर दीजिए ए और एम और यहाँ पे 5 की जगह एम ऐड कर दीजिए। ओके, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 19 और 2 है, सो दिस इज 19 एंड दिस इज 2, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। लेट मी सी कि क्या आंसर ये प्रोड्यूस करता है। यस, द वैल्यू ऑफ बी इज 1। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। एक और एग्जांपल ऐसे रैंडमली टेस्ट कर लेते हैं। लेट से हमारे पास 17 है और मॉड्यूलस की वैल्यू 3 है, इससे हमें आंसर 2 मिल रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 17 2 जा 34 एंड 34 मॉड्यूलस 3 विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि 33 होगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा और 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। सो दिस इज दी सोल्यूशन टू द मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स प्रॉब्लम वेर इन वी हैव रिलेटेड दिस प्रॉब्लम टू द एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम एंड फाइनली हैव सॉल्व। अब आपको अगर इस एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम और मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स का यूज करना है तो आई विल रिकमेंड यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देयर इज अ प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व एट द हैकर रैंक नेम्ड एज द लिटिल पांडा पावर दैट विल मेक यूज ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम एंड इसके अलावा जो हम लोगों ने पावर फंक्शन यूज किया था जिसमें हमने बाइनरी पावर का या बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का यूज किया था और फाइनली आंसर को फाइंड करने के लिए हमने उसमें मॉड्यूलस ऑपरेशंस भी किए थे। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर देयर एट माई चैनल, यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दोस प्रॉब्लम। आई विल जस्ट हिंट आउट कि आप ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। पहला तो इसमें मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स का यूज है। फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स आपने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज किया और इसके अलावा पावर फंक्शन का इसमें यूज करना पड़ेगा। पावर फंक्शन के लिए हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन भी पावर को बहुत बड़ा बना देगा, तो उसको डील करने के लिए हमने मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का यूज किया था। आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे इन तीनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है और इसको बहुत ही संभल के आप इसको यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम और एमएमआई का यूज कर लिया मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।